बंदा कहता है सर इज इट पॉसिबल कि आप मेरे को गाड़ी से उतार दो। तो उस टाइम पे फोर्ड ने ये बोला था रतन टाटा साहब को कि हम आपके ऊपर एक व्हाट डू यू कॉल इट वी आर ट्राइंग टू ओब्लाइज यू बाय बाइंग योर कंपनी इफ यू विल गो थ्रू गूगल विथ मैं ये गाड़ी। अगर ये ऑटोमेटिक आ जाती तो शायद ये वीडियो भी नहीं बन रही होती अभी क्योंकि ये गाड़ी मेरे हाथ में ही नहीं होती। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में टाटा हैरियर की हम बात करेंगे जो लॉन्च हुई थी 23 जनवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। एंड अब जो है इसका प्री फेसलिफ्ट मॉडल भी आ चुका है जिसमें कि इंजन की पावर भी बढ़ गई है एंड काफ़ी सारे चेंजेस भी हो गए हैं। तो आज हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस। तो ये है बेसिकली फर्स्ट लॉट की गाड़ी, तो इसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो ये कलर आपको बहुत कम देखने को मिलता है सड़कों पे, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि यही कलर क्यों एंड क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं। ऑनर से जानेंगे क्या उनका एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं इसके ऑनर से जो कि है हिमांशु भाई। हिमांशु भाई कैसे हो आप? हाँ भाई बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। हिमांशु भाई पहले तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने मार्च में 2019 में खरीदी तो ये आपकी फर्स्ट लॉट की गाड़ी है राइट। तो मैं पूछना चाहूँगा यही गाड़ी क्यों, क्योंकि बेसिकली इसके सेगमेंट में क्रेटा आने वाली थी, सेल्टोस भी आने वाली थी मार्केट में, आपको पता ही होगा। तो आपने यही गाड़ी पे क्यों गए वो, क्योंकि उनमें भी फीचर ज़्यादा आपको मिल रहे थे उस टाइम पे, इस पर सनरूफ भी नहीं आ रही थी, तो आपने यही गाड़ी क्यों ली? शशांक वो गाड़ियों का मैं टू बी फ्रैंक, जब भी कोई गाड़ी हम जितनी बार भी लिए हमने उसका बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी जितनी भी हो सकती है मैं करता हूँ कोई भी गाड़ी हुई। आई एम अ लिटिल फ्रीक अबाउट कार्स, मेरे को हर चीज़ बड़ी पर्टिकुलर चाहिए होती है। ओके, सो इसका मैंने ये तो था मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कि यार टाटा की गाड़ी है एंड टाटा की जो हिस्ट्री है वो आपको पता ही है कैसी रही है, गाड़ी में से आवाज़ें आने लग जाती हैं एंड वही एक बहुत बड़ा कंसर्न था मेरे लिए भी कि मैं क्या पता नहीं गाड़ी में आवाज़ आने लगे, बजने लगे। ऐसा भी नहीं कि 2-4 लाख रुपए की गाड़ी है, 20 लाख की रेंज में बिकम्स डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था मैं कहीं अगर बजेगी तो मैं क्या करूँगा और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो कटिंग ऑल ऑफ दैट शॉर्ट, मेरे को ऐसा लगा था मैं कह यार एक बारी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मंगवा लेते हैं राइट, थोड़ा उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और मैं पूरा ढंग से गाड़ी को रगड़ के देख लूँगा। रहा था मैंने टेस्ट ड्राइव इसी ग्राउंड में ही ली थी। अच्छा, इसी ग्राउंड में राइट। तो एक बार ग्राउंड आपको दिखा देता हूँ पूरा, मतलब सारी इसमें कंडीशंस है, वेट कंडीशंस भी है, सैंड कंडीशंस भी है, वहाँ ड्राई है, आगे देख सकते हो वहाँ पे सारा ड्राई है एंड बीच में वेट भी है एंड काफ़ी पोर्ट होल्स भी है इसमें, तो टेस्टिंग बहुत अच्छे से होगी होगी गाड़ी की। अच्छे से हुई थी, रादर जो टाटा का बंदा आया था इतनी ज़्यादा मैंने रैश यहाँ पे गाड़ी चलाई थी, वो बंदा कहता सर इज इट पॉसिबल कि आप मेरे को गाड़ी से उतार दो। वो उतर के वहाँ साइड में खड़ा हो गया। अच्छा, एंड ही वाज लिटरली शूटिंग विद हिज फोन की मैं ना अगर हो सके तो इसे वहाँ टाटा में ले जाके दिखाऊंगा कि देखो भाई कस्टमर ये सब करते हैं गाड़ी के साथ, कितनी ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है, कितनी डेडली चीज़ है। तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा थारो टेस्ट ड्राइव लिया था, हर कंडीशन में कहीं गाड़ी फंसी नहीं एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ टेस्ट ड्राइव की बात नहीं कर रहा मैं, इसको मैंने अब अराउंड 55,000 किलोमीटर्स के आसपास चला लिया है। अच्छा, तो 55,000 किलोमीटर्स में मैं इसको पहाड़ों पे भी लेके गया हुआ हूँ, मैं इसको डेजर्ट भी अभी रिसेंटली लेके गया था। अच्छा, कहीं गाड़ी फंसी नहीं, कभी मेरे को ऐसी ज़रूरत फील नहीं हुई कि यार 4x4 होनी चाहिए थी। इट वाज मोर देन इनफ पावर फॉर मी टू गेट थ्रू एवरी टर्न। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट आपको 2.5 साल हो गए ऑनरशिप को एंड आपने 55,000 चला लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा इसमें, जैसे कि आपने फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी तो ये पहले इसका जो था इंजन पावर थोड़ी कम थी राइट, तो आपको कहीं लैग फील होता है हाईवेज पे या आपको माउंटेन्स पे लेके गए आप तो आपको इंजन लैग कहीं फील होता है? कभी भी, क्योंकि इसमें 140 पीएस की पावर है राइट, अब जो आ रही है वो 170 पीएस अपग्रेड कर दिया वो, दैट इज ट्रू। एंड यार शशांक मेरे को ऐसा फील होता है, आप इस चीज को अगर बैठ के क्रिप करते रहोगे कि यार मैंने अभी ना लेके 2 साल रुक जाता तो ले लेता, तो 2 साल बाद सेम चीज आप वही सेम खड़े हो गए, उसके बाद आपको ये रहेगा कि यार 2 साल और रुक जाता तो गाड़ी ऐसी आती
हो सकता है इसमें कभी एयर सस्पेंशन भी आ जाए, इट्स द बिग डील अबाउट दैट. तो जैसे जैसे अपग्रेड होता रहेगा, यू कैन नॉट बी सिटिंग हाथ पे हाथ धरे कि हाँ भाई देखते हैं अभी दो साल रुक जाते फिर ही हो जाएगा, फिर ही हो जाएगा. लेकिन जो आपने बात बोल दी ना एयर सस्पेंशन, वो तो कभी नहीं आने वाला. टाटा से एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज एक्सपेक्ट करने लायक है. टाटा से कभी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैंड रोवर एंड जैगुआर ऐसी टाइप की कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे. रादर जस्ट फॉर योर जीके आई विल टेल यू, एक बार रतन टाटा साहब मीटिंग के लिए गए थे विद द ओनर ऑफ फोर्ड. अच्छा, उस टाइम पे ये शायद आपने ट्रोल्स वगैरह में कहीं पे पढ़ा भी, राइट राइट मैंने पढ़ी है पूरी स्टोरी. तो उस टाइम पे फोर्ड ने ये बोला था रतन टाटा साहब को कि हम आपके ऊपर एक व्हाट डू यू कॉल इट, वी आर ट्राइंग टू ओबलाइज यू बाय बाइंग योर कंपनी. या या या. तो उस टाइम पे ही टुक दैट ऑन हिज हार्ट एंड ही वाज सो एडमेंट कि भाई मैं इस गाड़ी की इस कंपनी की रेपुटेशन चेंज करके दिखाऊंगा. एंड टुडे इट इज. या राइट. मेन प्रायोरिटी क्या थी जब आप गाड़ी देखने गए अवली? सेफ्टी, फीचर्स? सेफ्टी, फीचर्स, लुक, मैस्कुलिन फील टू द कार, कि मेरे को फॉर्च्यूनर और एंडेवर नहीं चलानी है. आई वॉज जस्ट वे टू बोर्ड. मेरे मौसा के पास रादर वो है, एंडेवर है, एंड आई हैव ड्रिवन दैट कार अराउंड 70,000 किलोमीटर्स. अच्छा. तो आई वॉज वेरी मच टायर्ड. घर में फॉर्च्यूनर भी है लेकिन नहीं यार, नहीं कुछ अलग चाहिए. सारी दुनिया लिए घूम रही है. मतलब कब से चलती हुई आ रही है फॉर्च्यूनर, ये अभी सेगमेंट मार्केट में नहीं आई है. Absolutely. तो एरोडायनामिक्स, इसके लुक्स, एरोडायनामिक्स एंड मतलब सेगमेंट ही चेंज कर दिया. कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कंपनीज को बोलती है. एंड बिल्कुल एकदम मतलब रगेड फील है, मस्कुलर है, हर चीज है इसमें. शशांक राधर ये बोलते हैं इसको कि आपकी वो है क्रॉसओवर इज द वर्ड, राइट? क्रॉसओवर, क्रॉसओवर मैं इसको कहीं दूर-दूर तक नहीं बोलूंगा. अच्छा. इफ यू विल गो थ्रू गूगल विड्थ में ये गाड़ी, दोनों गाड़ियों से ज्यादा चौड़ी है. एंड अभी आप जब अंदर बैठेंगे ना, आई विल शो यू कि डिफरेंस कहां पे आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर है. अच्छा, विड्थ में. चलो ठीक है. बाकी अभी तो मैं आपसे नेगेटिव्स भी पूछूंगा, वो बाद में पूछूंगा. पहले हम चलते हैं इसकी बैक लुक पे, जो कि बैक लुक मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है. इसकी पूरी जैगुआर लैंड रोवर वाली फील देती है इसमें, राइट? जो कि रेंज रोवर आती है अपनी, बिल्कुल ऐसी टेल लाइट्स होती है उसकी जैसी कि इसकी है. रादर आपको इसके बारे में पता ही होगा, इसकी जो चैसी है, राइट राइट, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम डिस्कवरी. डिस्कवरी, राइट. सो इट्स द सेम प्लेटफॉर्म, राइट राइट. तो आपको अगर मैं पूछूं, जैसे नई वाली जो सफारी आई है उससे कंपैरिजन करें इसकी टेल लाइट्स का, तो आपको कौन सी बेटर लगती है? टू बी फ्रैंक, मेरे को इसकी बेटर लगती है. भी पर्सनली इसकी टेल लाइट्स जो है बहुत अच्छी लगती है. इवन नाइट में ना जब इसकी टेल लाइट्स जलती है, तो आप दूर से ना पहचान नहीं सकते कि टाटा की गाड़ी है. कई बार यू विल कंफ्यूज इट विद जैगुआर, राइट राइट राइट. विलार टाइप लुक है. मुझे पीछे की टेल लाइट बिल्कुल एज इट इज वैसी लगती है. पीछे की जो टेल लाइट है वो थोड़ी थोड़ी रात को अगर दूर से देखोगे तो एफ पेस से कहीं ना कहीं मिलेगी, या फिर विलार से मिलेगी, राइट. विलार तो बल्कि इतनी ज्यादा आइडेंटिकल लगती है, मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि विलार का छोटा भाई यही है. ने कितने की ली थी गाड़ी ऑन रोड? शशांक की मैंने अराउंड 20 के आसपास पड़ी थी. 20 लाख, 19 पॉइंट समथिंग कुछ की, वो 5-7 हज़ार का डिफरेंस था. 20 हो गए थे. ये है टॉप मॉडल जी, जो कि उस टाइम पे आता था जी. जो इन्होंने अब नया मॉडल निकाला है ना इसका, हैरियर का, उसमें उसकी वजह से प्राइस इसका काफी बढ़ा है, क्योंकि इंजन पावर बढ़ गई है, ऑटोमेटिक हो गई है गाड़ी, पैनोरामिक सनरूफ है, जो थोड़े बहुत इसमें कमियां पेशी थी वो सारी की सारी खत्म कर दी है कंपनी ने. Okay. तो अराउंड 4-4.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आ गया है. आ गया. तो बाकी अगर मैं क्वालिटी के बारे में बात करूँ, स्पीकर्स की क्वालिटी, तो कैसी लगी आपको? एग्जाम्पल, मेरे एक फ्रेंड के पास, उसके पास तो ऑडी Q7 अवेलेबल थी. कोई कंपैरिजन भी नहीं, लेकिन हाँ उसका पुराना मॉडल है. अच्छा. सो वो बंदा बैठा गाड़ी में एंड ही वांटेड टू प्ले समथिंग, कहता है यार मैं अपना फोन कनेक्ट करूँगा भाई, कर ले. उसने गाना बजाया एंड फिर वो कहता है यार मानशु तूने इसमें क्या करवाया. मैं क्या करवाया मतलब मेरे समझ में नहीं आया किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है. मैं पता नहीं क्या खराब दिख रहा है इसे भाई, क्या कुछ बुरा लग रहा है क्या? अरे नहीं यार, ये क्या सिस्टम में क्या अपग्रेडेशन करवाया? मैं कहा कुछ नहीं करवाया मैंने. क्या था? फुद्दू मत बना, बताओ. मैं कहा यार सही में. अच्छा. फिर मैंने उसको बताया मैं कंपनी फिटेड है, कुछ नहीं किया. मतलब उसको Q7 से अच्छे लग रहे थे इसके स्पीकर. एब्सोल्युटली. कहता यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है. प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो 235/65R17, तो 17 इंच का अलॉय आ रहा है इसमें. एंड टायर्स में अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम लगी? बिल्कुल, अभी तक एक बार भी कोई टायर कटा नहीं है अभी तक. दीज आर द कंपनी फिटेड टायर्स दैट आई एम यूजिंग. अभी तक 55,000 पे. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. मैंने अभी तक ना टायर चेंज करवाया ना मेरे को इसमें कभी कंप्लेंट आई है कि टायर कट गया है, क्योंकि जनरली एसयूवीज में इशू आता ही आता है, बिकॉज़ यू टेंड टू गो ऑफ रोड. राइट राइट. तो कभी टायर कट जाएगा किसी पत्थर से, या फिर कोई काटा, या फिर कोई
बहुत लंबी सी कील घुस जाएगी, तो इस तरीके का मैंने कभी इशू फेस नहीं किया। ओके दैट्स वेरी नाइस। अभी मानशु भाई अंदर चलते हैं गाड़ी के, एक बार अंदर आ जाओ। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछना चाहूंगा कि गाड़ी में इंजन नॉइस कैसी है, क्योंकि 2 लीटर का इसमें इंजन लगा है जो कि जनरेट करता है 350 Nm टॉर्क एंड 140 PS पावर। राइट ठीक है, तो इंजन काफी पावरफुल है। Exactly. राइट, क्योंकि यही इंजन अपनी जीप में MG हेक्टर में सब में आता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि वाइब्रेशन आती है जब इंजन स्टार्ट होता है गियर पे, या फिर अंदर फील होता है आपको वाइब्रेशन? शशांक टू बी फ्रैंक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी गाड़ी है इसीलिए इट इज द बेस्ट एंड यू नो वाइब्रेशन नहीं है ये नहीं। अभी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, अगर स्टार्ट करेंगे ना, अभी आपके सामने स्टार्ट करके दिखाऊंगा, वाइब्रेशन आती है स्टार्टिंग में बॉस। ओके आती है अनडाउटेडली। अब उसको इंजन की आप पावर कह लो या रिफाइनमेंट की कमी कह लो, इंजन की कुछ भी कह सकते, वो तो आपके ऊपर है, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। लेकिन हाँ ये चीज मेरे को फील होती है, वो जो जो टाटा वाली बात कर रहा था ना मैं कि बजने लगती है, कभी कभी मन में हल्की हल्की खटकती है वो बात। अच्छा हाँ ठीक है, तो एक बार आप स्टार्ट करना इंजन। तो अगर मैं आपको गियर नॉब दिखाऊं इसका, तो गियर नॉब में हल्की हल्की वाइब्रेशंस है, कैमरे में इतना नोटिस नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन हल्की हल्की वाइब्रेशंस है। बट बाकी अंदर कैबिन में अगर नॉइज आती है, मतलब गाड़ी अगर आइडल खड़ी थोड़ी, है थोड़ी बहुत आती है, इतनी ज्यादा नहीं है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डीजल है गाड़ी, तो डीजल गाड़ी में आपको पता है कि आवाज तो ऑब्वियसली होगी, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद अ पेट्रोल। राइट राइट। लेकिन अगर इसी को डीजल किसी दूसरी गाड़ी से कंपेयर करोगे, टेक फॉर एग्जांपल क्रेटा, क्रेटा ज्यादा साइलेंट है। हां होंडा की इंजन से फिर रिफाइनिंग उनकी लेवल अलग है। किया भी किया हो गई, आपके क्रेटा हो गई, ये दोनों ही बल्कि इससे ज्यादा साइलेंट है। राइट, उनकी प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। राइट राइट राइट, बट उनमें ये चीज रगेडनेस मस्कुलर ये चीजें नहीं मिलती। उसका साइड व्यू मिरर इसके साइड व्यू मिरर के नीचे से निकल जाता है यार। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात, इसका साइड व्यू मिरर ही बहुत ऊंचा है। और एक बार आप रेव करना हल्का सा इंजन में, बाहर से एक बार आवाज सुना देता हूँ आपको, यहाँ से एक बार आवाज सुना देता हूँ। इंटीरियर क्वालिटी की बात करूँ तो इंटीरियर क्वालिटी कैसी लगी अभी तक? इंटीरियर क्वालिटी मजेदार है बॉस। दिस इज वन थिंग विच जिसमें मैं कहीं पे भी ये नहीं बोलूंगा कि यार इस चीज की कमी रह गई, उस चीज की कमी रह गई। शशांक अगर आप ये देखोगे, ये दिस इज सॉफ्ट टच। राइट 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 ठीक है, हार्ड प्लास्टिक यूज नहीं हो रखा है, दिस इज सॉफ्ट टच। ये दिस लुक्स फैबुलस। राइट, नीचे वाला पार्ट, हाँ ऑब्वियसली नीचे जो ये वाला एरिया है इसमें हाँ आपका वैसा है, बिल्कुल रॉ प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ देखता कौन है यार, गाड़ी यहाँ देखी जाती है। राइट राइट, तो ये बेसिकली है अपना टॉप मॉडल डीजल का। राइट, एंड इसमें उस टाइम पे जो मेन चीज है वो पैनोरामिक सनरूफ, वो नहीं आती थी। यस, तो अब जब आने लगी है तो आपको कैसा फील होता है? मैंने कंपनी में झूठ क्यों बोलूं, सॉरी कंपनी में मैंने बात करी इसके बारे में, मैं कहा यार इसकी थोड़ी छत में अगर काट पीट के कुछ इंस्टॉल हो सकता हो तो। राइट, सो क्या कहते थे? कहते जी हाँ जी, पता नहीं कितना, 2-2.5 लाख रुपए बोले थे। अच्छा, तो मैंने कहा मतलब हो सकता है ऐसा, मतलब हो सकता है, लेकिन फिर वही वाली बात होगी ना, इट विल बी एन आफ्टर मार्केट थिंग। राइट राइट, इवन इफ आई एम गेटिंग इट डन थ्रू द कंपनी, गारंटी क्या है इस चीज की कि भाई पानी नहीं टपकेगा, टपकने लगा तो यहाँ तो स्प्लेंडर ले लो उससे बेटर तो यार। तो मतलब उनकी कोई गारंटी नहीं थी अगर सनरूफ लगा रहे हैं तो, ऐसा कोई गारंटी नहीं कर रहे थे कि नहीं आएगा उस टाइम पे? मैंने टू बी फ्रैंक जब उन्होंने प्राइस बोला ना, मैंने बात वहीं खत्म कर दी। अच्छा, मैं कहा क्या घुसना है जब लगवानी नहीं है, मैं कहा नहीं यार बहुत अच्छी है, इसमें भी काफी अच्छा लगता है। एक बात बोलूं, एक महीने से 1.5 महीने का शौक है, कईयों का होता है कि नहीं यार मैंने इतने पैसे लगाए सनरूफ होनी होनी चाहिए, वो चीज वहां कब चली जाती है जब फॉर्च्यूनर लेते हो आप। राइट, यू स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 45 लाख ऑन द लेजेंडर, उसमें तो इतना सा तक नहीं है यार कुछ। वो उनका टोयोटा का पता क्या कहना है? हाँ। उनका कहना है कि हमारी जो है सॉलिडनेस वो खत्म हो जाती है, इसलिए हम नहीं देते अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ी में भी। उनकी आती है लैंड क्रूजर में सनरूफ, उसमें भी पूरी ये नहीं कि पैनोरामिक नहीं है, इतनी सी देंगे उसमें भी। राइट, उसमें भी छोटी सी है। लेकिन अगर टोयोटा का ये कहना है तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा क्यों फील होता है कि एज पर माई लिमिटेड नॉलेज कि वोल्वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाड़ियां बनाती है वर्ल्ड में, एंड उनकी तो पूरी पैनोरामिक सनरूफ होती है बॉस। अलग ही स्टेटमेंट चल रही है टोयोटा की भी। ये पॉइंट सोचने वाला है, इस पे बहस हो सकती है।
तो हिमांशु भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि टाटा की सर्विस एक्सपीरियंस लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, बहुत लोगों से सुना है कि टाटा का अच्छा नहीं है, या तो ये भी सुना है मैंने छोटी गाड़ी जिनकी होती है उनके साथ अच्छा नहीं होता, जैसे कि ये बड़ी गाड़ी है तो इनके साथ बहुत अच्छा होता है, ये पार्शियलिटी होती है, तो आपका कैसा रहा अभी तक आपसे पूछो? शशांक भाई, एक ना साइकोलॉजी है इंडिया में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाटा की सर्विस बुरी है या ये बुरी है, मैंने सर्विस बुरी मारुति की भी देख रखी है और अच्छी भी देख रखी है मारुति की, अच्छा, हुंडई की अच्छी देख रखी है, बुरी भी देख रखी है, अच्छा, टाटा की अच्छी देख रखी है, बुरी भी देख रखी है, सो इट इज जस्ट द वे यू डील विद देम। Okay. उनको अगर एक बारी स्ट्रिक्ट तरीके से बोलोगे दैट आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम, आई विल बी कंप्लेनिंग टू द मैनेजर, थोड़ा यार लातों के भूत हैं यार यहाँ पे, कोई नहीं मानता इंडिया है एग्जैक्टली अच्छा, अगर आप उनको ठीक तरीके से प्रॉब्लम नहीं बताओगे और थर्ली चेक खुद नहीं करोगे कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं, वो यूं ही छोड़ देंगे यार। Okay. उनकी घर की गाड़ी थोड़ी ना है, राइट, उनको बिल बनाना है, आपको पैसे ले लेने हैं जी, टाटा बाय बाय। ये और मैटर करता है जैसे डीलर टू डीलर, हर डीलर का मतलब अलग एक्सपीरियंस होता है, अगर आप इस स्टार्टअप पे जा रहे हो द्वारका, अगेन पर्सन टू पर्सन वाला ओपिनियन, right. कई डीलर होते हैं जो अपने काम को बड़ा सिंसियरली मानेंगे कि हाँ भाई कस्टमर आया है, भगवान आया है, राइट, कई होते हैं बोले यार कस्टमर आ गया, अरे यार लाइबिलिटी आ गई, राइट, बिल्कुल सही। तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, आपका अभी तक कैसा है, कोई कंप्लेंट सुनने को मिली अभी तक टाटा से? आज से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है गाड़ी से, नहीं, अगर कुछ होती है तो मैं आई टेक इट टू द सर्विस सेंटर, छोटी मोटी गाड़ी, हर कोई गाड़ी कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांगे, लेकिन इतना कुछ मेजर मतलब सुनते हैं वो कस्टमर के, सुनते हैं जो आप बोलते हो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी जो आ रहे हैं ऑटोमेटिक आ रहे हैं और ये है मैनुअल, तो मैनुअल और ऑटोमेटिक अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल होता तो आप कौन सा लेते हैं? उस टाइम पे अवेलेबल होता तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक प्रेफर करते हैं, मतलब अभी उसका रिग्रेट है उस टाइम पे नहीं आया, आपने थोड़ा बहुत मतलब थोड़े बहुत तो रिग्रेट्स है, रिग्रेट्स है बट मेरे को फिर ये था, मैं कह रहा अगर ये ऑटोमेटिक आ गई, माय फादर इज रियली फॉन्ड ऑफ ऑटोमेटिक, अच्छा अगर ये ऑटोमेटिक आ जाती तो शायद ये वीडियो भी नहीं बन रही होती अभी क्योंकि ये गाड़ी मेरे हाथ में ही नहीं होती। चलो फिर ठीक है, बढ़िया, आपके पास मैनुअल है। एक बार आप पीछे का स्पेस देखो, बाकी आपको स्पेस में कोई कमी लगती है? स्पेस में as such तो मेरे को बिल्कुल कमी नहीं लगती, टू बी फ्रैंक, अगर आगे वाली सीट पे कोई 6 feet टाइप बैठा है बंदा एंड पीछे उतने ही साइज का बंदा बैठा है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबली जाते हैं। वी हैव ट्रैवल्ड, मतलब चार, कितने हम, चार लड़के थे, अच्छा उनमें शायद सबसे शॉर्ट मैं ही था, जस्ट फॉर द रेफरेंस आई एम अराउंड 5'11" एंड वो सारे थे 6'6" समथिंग कुछ, अच्छा बहुत कंफर्टेबली बैठे। अच्छा चलो गुड, स्पेस तो वैसे इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। बाकी आपको जो डिक्की में स्पेस मिलता है वो मिलता है 425 liter का इसमें, और लगेज स्पेस में भी कोई कमी नहीं है, मतलब चार जनों का तो आराम से इजीली आ जाता है। अगर मैं इसके नेगेटिव्स के बारे में पूछूं आपसे, नेगेटिव्स इसमें अभी तक क्या क्या लगे आपको, तो आप एक्सप्लेन करो। पहला नेगेटिव जो मेरे को इसका लगा है, ये जो हम्प दे रखा है ना दिस मेक्स अ वेरी बिग ब्लाइंड स्पॉट, ओके, एक्सट्रीमली बिग ब्लाइंड स्पॉट, मतलब इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है कि बाइक साइकिल तो बहुत छोटी चीज है, पूरी गाड़ी छुप जाती है, अच्छा पूरी गाड़ी छुप जाती है, मतलब मेरा कई लकीली कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हाँ एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ इस पर्टिकुलर उसकी वजह से, पैच की वजह से मेरे को गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी है, एंड जब गाड़ी बिल्कुल पास में आ गई है तो मुझे रियलाइज हुआ है, एंड ऑब्वियसली स्पीड में थी गाड़ी, ओके, तो मतलब टच तो नहीं हुई, थैंक गॉड टच नहीं हुई, क्योंकि ये और ये चीज फर्स्ट लॉट की गाड़ियां में ही थी, yes, क्योंकि ये प्री फेसलिफ्ट में इन्होंने रेक्टिफाई कर दी, एब्सोल्युटली आई एम प्रीटी मच श्योर कि कई कस्टमर्स ने इसके बारे में कंप्लेन किया होगा, दैट इज द रीजन टाटा हैज डन समथिंग अबाउट इट, ओके ओके। सेकंड फॉरमोस्ट थिंग आफ्टर दिस, एक इसमें ना यहां पे इफ यू कैन सी, आई डोंट नो कैमरे में आ पाएगा नहीं, जो ये वाला पैनल है ना सिल्वर वाला, इसके लिए सीट्स की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि बार बार पैर लगता रहेगा या परेशान हो गए, लेकिन जितना आप किसी दूसरी गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ सकते हो मुश्किल से 1 minute लगेगा आपको, सीट आगे पीछे स्टीयरिंग ऊपर नीचे जो करना है, इसमें थोड़ा टेक्स अ लिटिल मोर एफर्ट, अच्छा, देन नॉर्मल कार्स, मतलब आपकी नी टच होती है बेसिकली, हाँ, अगर उसको मैं ठीक से एडजस्ट नहीं किया तो क्लच दबाते टाइम, क्लच से पैर उठाते टाइम, एवरी टाइम माय नी विल बी यू नो गेटिंग हिट टू दैट पैनल, Okay. और ये चीज आई थिंक ये वाली चीज जो आपने बताई है ये चीज तो अभी भी रेक्टिफाई नहीं करी, ये अभी भी रेक्टिफाई नहीं करी, ओके। की थर्ड नेगेटिव के बारे में बात करें तो इसके बारे में अगर थर्ड नेगेटिव मैं आपको शशांक एक चीज और बताऊं, समटाइम्स देयर इज अ सॉफ्टवेयर इशू इन द कार, अच्छा
मतलब जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है जैसे मैंने, तो स्क्रीन मेरी एकदम से इट्स ऑल गॉन. अच्छा, तो आई हैव टू टर्न ऑफ द इग्निशन, गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी, फिर खोलूंगा. कई बार वो हो जाता है, कई बार टेक्स 10-15 मिनट्स. बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं होता ऐसा, कभी कभी बहुत रेयरली होता है, बट यस इट डज हैपन. इसके बारे में मैंने सर्विस सेंटर पे जाके बताया भी था, एंड अपडेटेड द सॉफ्टवेयर आल्सो लैपटॉप से कनेक्ट करके, जो कि उसके बाद काफी बेटर हो गया है. अच्छा. लेकिन हाँ, अभी भी कभी कभी हो जाता है, हो जाता है. अच्छा, यहाँ पे जी जी ये पूरा ब्लैकआउट हो जाता है या ये वाला पार्ट, एंड साथ में कई बार ये वाला भी. अच्छा, ये वाला भी. कोई नेगेटिव लगा आपको इसमें भी? इससे हटके शशांक, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस कार. नहीं तो आई मैं इतना बोलता नहीं कि गाड़ी अच्छी है. अच्छा अच्छा अच्छा. एवरी कार हैज यू नो इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स. राइट राइट. सो बाकी अगर पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो, पॉजिटिव्स के बारे में मेन पॉजिटिव आपको क्या लगा? जो चीज मैंने नेगेटिव बताई बस वही इसका नेगेटिव है, उससे हटके बाकी सब पॉजिटिव है इसका. अच्छा. लुक्स हो गई. अच्छा. पावर को लेके मेरे को कमी आई नहीं है, बेशक से नए मॉडल में 170 bhp आ रहा है. मतलब मेरे को इसमें कभी पावर लैक फील नहीं हुई, कभी नहीं फील हुई. ओके. इसमें राधा तीन मोड्स हैं आपका, इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स. इकोनॉमी पे अगर आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी ऐसे चलती है जैसे कई टन का एसी इंजन पे छोड़ दिया किसी ने. अच्छा. बिल्कुल डेड हो जाएगी वो. अच्छा. उससे एवरेज निकाल के देगी गाड़ी बस. सिटी मोड पे थोड़ी पावर बढ़ जाती है, एवरेज थोड़ी और कम हो जाती है. स्पोर्ट्स पे इट लिटरली बिकम्स अ रॉकेट. आई एम नॉट टेलिंग यू, जैसे स्टार्टिंग में मॉडल आता था ना वर्ना का, एक वो गोल्ड लाइट्स वाली जो इनिशियल मॉडल था. हाँ, 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 वर्ना का. राइट. उसका पिकअप होता था एकदम वैसा झटके देके उठाने वाला. हाँ, हाँ, हाँ. इसका एग्जैक्टली वैसा पिकअप. अच्छा अच्छा अच्छा. वही है ना, वो टर्बो जब किक इन करता है ना, बहुत तो अच्छा टर्बो किक इन, पुश बैक कर देता है. राइट. बहुत अच्छा पिकअप है इसका. मैं आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. बाकी मैं एक नेगेटिव के बारे में कहना चाहूंगा जो हम भूल गए आई थिंक डिस्कस करना, जो कि है इसका मिरर, ऑटो डिमिंग मिरर. यस ऑफ कोर्स, आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था. क्योंकि ऑटो डिमिंग मिरर एक होना चाहिए था जो कि नए मॉडल में इन्होंने दे दिया है. हाँ हाँ हाँ. क्योंकि यार ये है टॉप मॉडल बेसिकली, और उस टाइम पे टॉप मॉडल तो ये चीज़ तो मैंडेटरी है ही, ये चीज़ और ये चीज़ होनी चाहिए. तो पता नहीं इन्होंने क्या किया, बाकी अब तो दे ही रहे हैं, उस टाइम इन्होंने नहीं दिया था अपनी गाड़ी में. और अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूँ तो क्या एवरेज निकल के आती है इसकी सिटी में? इसकी 12 के आसपास, 12 के आसपास आ जाती है डीजल में. ठीक है. और अगर हाईवे में बात करूँ तो हाईवे पे काफ़ी अच्छी एवरेज दे देती है. टू बी फ्रैंक, इसके साइज़ के हिसाब से, इसके पावर के हिसाब से इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा बेटर है. अच्छा. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मैं सिंगल डिजिट में एक्सपेक्ट कर रहा था, 10 के आसपास होगी. अब जाके इसकी थोड़ी एवरेज कम हो गई है. पता नहीं सर्विस शायद पेंडिंग पड़ी है, क्या है, क्या रीजन. अच्छा. नहीं तो 15-16 भी सिटी में देती थी. अच्छा. MID में दिखाती थी 15-16. अच्छा. अगर MID स्टार्टिंग में, अगर MID की बात कर रहे हो ना. हाँ. मेरे पास फोटो पड़ी है, उसमें 27 दिखाई है इसने एक बारी. अच्छा. नहीं उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है उसमें. पता नहीं मेरे को, मतलब जब आप नई नई ट्रिप सेट करोगे ना. हाँ, हाँ, हाँ. तो उस टाइम पे कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करता है वो. यू हैव टू जस्ट कीप ऑन रेविंग द कार, एंड उसके बाद फिर जाके कुछ आधे पौने घंटे बाद वो कुछ स्टेबलाइज सी एवरेज देने लगती है. स्टार्टिंग में तो पता नहीं क्या अलग ही वियर्ड तरीके से गाड़ियां एवरेज शो करती हैं. बाकी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, अभी जो शो हो रही है वो 8 kmpl की हो रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो 8 kmpl की हो रही है. तो अगर मैं आपसे पूछूँ अभी, जैसे आपको 20 lakh rupees हो और आपको कोई गाड़ी लेनी हो इसी सेगमेंट में, तो आप किस कौन सी पे जाएंगे? क्योंकि अभी भी बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, उस टाइम तो आपके पास थे नहीं. मतलब अगर मैंने ये ना ली होती तो मैं यही लेता. अच्छा. तो थैंक यू सो मच हिमांशु भाई अपना टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच. प्लेजर वाज ऑल माइन. सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. मतलब वो नोटिफिकेशन आ जाता है गाड़ी पे, तो जी इट्स टाइम फॉर सर्विस करवा लेता हूं. अच्छा. इतना पर्टिकुलरली वो नहीं रखता, ट्रैक नहीं रखता. बट हाँ, आई मेक श्योर कि मेरी गाड़ी मैकेनिकली हमेशा फिट हो. कोई भी किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन आए, ब्रेक ऑयल का, कई बार इंजन ऑयल का होता है, तो वो आई टेक इट टू द सर्विस सेंटर एज सून एज पॉसिबल. बाकी तो अभी जैसे आपकी पेंडिंग है थोड़ी आई थिंक सर्विस, तो आप शायद पेंडिंग है. और अगर नहीं आया नोटिफिकेशन तो फिर सर्विस सेंटर से कॉल करके बता देंगे वो.